हेलो गाइस, जब से ना एक इवेंट में यूएमपी का स्किन दिया, एक देखना क्या पता इवेंट अभी है भी या नहीं। तो उस इवेंट में ऑलमोस्ट सभी बंदे को यूएमपी का स्किन मिल गया है और बहुत अच्छा स्किन है, डबल रेट ऑफ फायर है। ठीक है, तो भाई साहब जब से स्किन मिला है, जो बंदे यूएमपी को टच नहीं करते थे वो भी आजकल यूएमपी चलाने स्टार्ट कर दिया है। तुम लोग देखना रैंक सीएस रैंक कस्टम में कितने ज्यादा बंदे लोग आजकल यूएमपी यूज कर रहे हैं, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूएमपी सबसे बेटर गन है। लाइक MP40 से भी बेटर कह सकते हैं हम लोग यूएमपी SMG में। और डबल रेट ऑफ फायर स्किन और अपडेट के बाद यूएमपी तो और भी जहर हो गया है। जैसे ही ये स्किन सभी को मिला है, मैंने सोच लिया था एक हैंडकैम के साथ वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो गाइस इसका पार्ट मैंने पहले ही चैनल पे डाल रखा था, ठीक है, यूएमपी का। बट उस टाइम पे सभी के पास स्किन नहीं था, तो सब यूज नहीं करते थे यूएमपी। तो मैंने सोचा क्यों ना पार्ट टू बना लिया जाए। तो यस, ये वीडियो है यूएमपी के ऊपर। और बेस्ट बात क्या पता है, मैं तुम लोगों को हैंडकैम ट्यूटोरियल के साथ दिखाने वाला हूँ। बट हैंडकैम रिकॉर्ड करने के लिए एक मेरे नाम के भैया है, बट भैया मुझे मिल नहीं रहे सुबह से आज कहीं पे। अरे रुको रुको रुको, यहाँ पर भाभी जी ऑनलाइन है, बुलाकर पूछ ही लेते हैं। हेलो भाभी जी, भैया नहीं दिख रहे कहीं? हमारा झगड़ा हो गया, वो गार्डन में है। गार्डन में? अरे मैं गार्डन में अभी देख के आया, वहाँ तो नहीं है। खोद के देखा? बहुत ज्यादा कुछ भी बोलता रहता है ये लोग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और अगर फराठेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप सबके लिए है गुड न्यूज। डाउटनट ऐप लाया है आप सभी के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो जाइए और डाउटनट ऐप पर ये कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत पर सबसे बढ़िया दाम और बेस्ट क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनट पर ही मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सो गाइस, तुम सभी को पता है किसी भी गन को चलाने के लिए मैटर करता है एक्यूरेसी। अगर तुम लोग हेड नहीं भी मार पाते हो, अगर तुम लोग बॉडी शॉट ही सही से कनेक्ट कर लेते हो, तो अपोनेंट एनिमी इजीली नॉक हो जाएगा। बट बॉडी शॉट हेड शॉट दोनों में मैटर करता है तुम लोग एक्यूरेसी कैसा है। ठीक है, मतलब अपोनेंट एनिमी के बॉडी पर कितना गोली टच हो रहा है, इसी से डिपेंड करेगा कि अपोनेंट एनिमी कितना जल्दी नॉक होगा। तो देखो, यहाँ पर यूएमपी में है डबल रेट ऑफ फायर, मतलब इससे फुल्ली क्लियर हो जाता है कि डबल एक्यूरेसी डाउन, मतलब हम लोगों का रिकॉइल भी और ज्यादा होगा। जी हाँ गाइस, अगर आपके किसी भी गन का रेट ऑफ फायर ज्यादा है, देन आपकी एक्यूरेसी भी डाउन होता है। बट अगर गाइस, अगर तुम लोग एग्जांपल लोग ईवो गन्स की, तो उसमें भी देखो डबल रेट ऑफ फायर मिलता है, ठीक है, बट उतना एक्यूरेसी डाउन नहीं होता है, इवन एक्यूरेसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों पता है? डायमंड भी तो लग रहे हैं भाई वैसे। तो देखो, ये एक फ्री का स्किन है, और मैंने इसको जब यूज किया तो मैंने खुद देखा कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लॉस हो रहा है, और यूएमपी में ऐसे ही एक्यूरेसी बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो गाइस, हम लोग इन गेम ट्रिक्स को बाद में कवर करेंगे, मतलब हम लोग जब खेलते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या स्ट्रेटजी लगाएं कि हम लोग का रिकॉइल कम हो। पहले हम लोग आउट ऑफ द गेम देख लेते हैं, मतलब अटैचमेंट्स और कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, सो देखो गाइस, अटैचमेंट का सिंपल रोल है, जितना अच्छा अटैचमेंट होगा तुम लोग एक्यूरेसी उतना ज्यादा परफेक्ट होगा। ठीक है, और अगर तुम लोग सीएस और कस्टम खेल रहे हो, देन अटैचमेंट का कोई टेंशन ही नहीं, इन लेवल का ही मिलता सब कुछ ऑटोमेटिक। ठीक है, बट अगर तुम लोग रैंक खेल रहे हो, तो ऑलवेज ट्राई करो, अगर तुम लोगों के सेकंड गन पर अच्छा अटैचमेंट है, उसको तुम लोग चेंज करके यूएमपी में अटैचमेंट को सही कर लो, क्योंकि देखो यूएमपी बहुत ज्यादा रिकॉइल करता है जैसे मैंने बताया। तो अटैचमेंट अच्छा होगा तो रिकॉइल भी कम करेगा। अब अगर बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो देखो सबसे बेस्ट कैरेक्टर है दशा। इसमें 3-4 एबिलिटीज मिल जाता है दशा कैरेक्टर में, और ये एक्यूरेसी को भी इंक्रीज करता है, तो दशा कैरेक्टर जरूर ले लेना। और गाइस, एक चीज, तुम लोग हमेशा सेंसिटिविटी 100 रखना, ठीक है, और अगर 100 में भी बहुत कम लग रहा है सेंसिटिविटी, देन तुम लोग DPI भी लगा सकते हो। पर्सनली मैं DPI नहीं लगाता, क्योंकि मेरा देखो सेंसिटिविटी ठीक ठाक है 100 में, ठीक है, इसलिए मैं DPI नहीं लगाता। तो ये हो गया कुछ चीज़ें जिसको तुम लोग अपने गेम प्ले में अप्लाई करना है। तो अगर देखो रिकॉइल की बात चल रहा है, तो मैं एक दो चीज़ें यहाँ पर बोल देता हूँ। पर्सनली मैंने पार्ट 1 पे बोला था, बट बहुत सारे व्यूअर्स हमारे यहाँ नहीं जुड़ रहे हैं। उस टाइम पे तो मेरे समथिंग सब्सक्राइबर 2 लाख थे, ठीक है, और अभी 4 लाख है, मतलब बहुत ज़्यादा बंदे नए जुड़े हैं। सो देखो, जो बंदे हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए तुम लोगों को सिंपल सा कुछ नहीं करना। जब तुम लोग गेम में होते हो, सिंपल सा 2-3 चीज़ें फोकस करना होता है तुम लोगों को। सबसे पहला इंस्टेंट फायर, मतलब जब भी तुम लोग फायर करो तो जॉयस्टिक का यूज़ ना करो, ठीक है, मतलब एकदम सिंपल इंस्टेंट हो जाओ, उसके बाद ही फायर करो। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर तुम लोग इंस्टेंट होकर फायर करते हो और अपोनेंट एनिमी तुमसे अच्छा हेड मारना जानता है, ठीक है, तो वो तुमको इजीली हेड मार देगा, तुम उससे पहले ही मर जाओगे। तो ऐसे कंडीशन में तुम लोग एक कैरेक्टर यूज कर सकते हो, वो है वुकोंग। मतलब वुकोंग कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अगर तुम लोग यूज करते हो, सो एक तो तुम लोग डिस्टेंट पोजीशन में खड़े भी हो इधर, ठीक है, और अपोनेंट एनिमी इतना जल्दी एम भी नहीं ले जा पाएगा तुम्हारे ऊपर। और अगर अपोनेंट एनिमी तुमको मारने का कोशिश करता है, तो तुम लोग इजीली उसको ही हेडशॉट मार सकते हो। तो यस, वुकोंग कैरेक्टर यूज कर सकते हो इंस्टेंट फायर ट्रिक यूज करने के लिए। बट अगर तुम लोग का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा है कि तुम लोग विदाउट वुकोंग कैरेक्टर भी इजीली अपोनेंट एनिमी को मार सकते हो लाइक मी, तो तुम लोग यूज कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर लाइक स्काइलर और कोरोना वगैरह, कोई अपने से यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर ड्रैग। अगर तुम लोग ओवर ड्रैग करते हो फिर भी बहुत ज्यादा रिकॉइल होता है, ठीक है, तो हमेशा ओवर ड्रैग नहीं करता, थोड़ा मिनिमम ड्रैग करना होता है, जितना तुम्हारा मोबाइल का सेंसिटिविटी है उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को ड्रैग करना होता है। सो ये एक दो चीजें होते हैं जिससे तुम लोग रिकॉइल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो।
अब जो नेक्स्ट ट्रिक है भाई, मेंटेन डिस्टेंस कोविड के लिए ना, ठीक है, हेड के लिए। जी हाँ, अगर तुम लोग SMG यूज़ कर रहे हो, किसी भी SMG गन लाइक MP40, MP5 या फिर UMP, तुम लोग अगर परफेक्ट हेडशॉट ओनली रेड नंबर लेना चाहते हो तो डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। मतलब एनिमी से थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे रहना, थोड़ा सा, ठीक है। अगर तुम लोग एकदम ही एक्सट्रीम क्लोज रेंज में चले जाओगे तो ऐसे कंडीशन में ओनली रेड नंबर मारना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब कुछ लेजेंड्स यहाँ पर जरूर बोलेंगे, अब मैं मीना सर्वर के कुछ लेजेंड्स का वीडियो देख के आया हूँ, वे लोग एकदम MP40 UMP से ओनली रेड नंबर मार देते हैं एकदम शॉर्ट रेंज में, कैसे बताओ। सो देखो गाइस, ऑलमोस्ट तो मीना सर्वर वाले जादूगर होते हैं, तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। बट गाइस, जो फेयर प्लेयर होते हैं और वे लोग क्या स्ट्रेटेजी या फिर क्या टेक्निक यूज करते हैं ओनली रेड नंबर मारने के लिए, इसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, जब इस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट हो जाएगा 20 के। तो यस, 20 के लाइक एम कंप्लीट करा दो अगर तुम लोग एकदम शॉर्ट रेंज में UMP का टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हो तो। सो ये ट्रिक तो क्लियर है कि अगर तुम लोग हेडशॉट लेना चाहते हो तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। इवन मेरे जितने भी मॉन्टाजेस क्लिप देखोगे ऊपर, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर मेंटेन करके रखता हूं, क्योंकि गाइस ऑलवेज तुम लोगों को गन के अकॉर्डिंग ही खेलना पड़ता है गेम, ठीक है। जस्ट एग्जांपल देखो गाइस, मुझे पता है घर के अंदर एनिमी है, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा नूब वॉक करता हूं। अब देखो ये नूब वॉक, जिसको जिसको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं, नूब वॉक एक ऐसा टेक्निक होता है। इस ट्रिक को ऐसे यूज किया जाता है, मतलब तुम लोग को हमेशा खुले में घूमना पड़ता है, जैसे एनिमी दिखे सिंपल सा फायर करना होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो गाइस, जहां पर मैं नूब वॉक कर रहा हूं, मैंने एनिमी से एक परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। मैं देखो सामने जाकर भी एनिमी को फायर कर सकता था, बट नहीं, अगर तुम लोगों को हेडशॉट से किल करना है एनिमी को और अपना हेडशॉट रेट वगैरह इंक्रीज करना है तो डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस बिल्कुल सही है, मैं परफेक्ट जगह पर हूँ। जैसे ही एनिमी मुझे दिखता है, ये लोनली रेड नंबर, ठीक है। अब मुझे पता है इधर से भी एक बंदा आ रहा है, मुझे फुट स्टेप आ गया था। अब देखो मैं इधर UMP से ट्राई करता हूँ, ठीक है, हेड नहीं लगा, हम लोग इंस्टेंटली गोली बॉल लगा लेंगे। अब देखो इस सिचुएशन में देखो, अपोनेंट एनिमी से मेरा डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इस टाइम अगर मैं UMP चलाऊंगा तो क्या पता मेरे बॉडी शॉट में किल आ जाएंगे। और जो जो बंदे अपना हेडशॉट रेट CS में बढ़ाते हैं, उनका हेडशॉट रेट भी माइनस हो सकता है। सो गाइस देखो, जैसा मैंने बताया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग गन यूज़ करना चाहिए। तो इस टाइम पे मैं यूज़ करता हूँ M1887, और देखो इसको इजीली मार देता हूँ 1 टैप। तो यही सीन है, ऑलवेज तुम लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो यस गाइस, आई होप तुम लोगों को क्लियर हो चुका है UMP कैसे यूज किया जाता है। सो या गाइस, आज के लिए इतना ही, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है। और हाँ, 20 के लाइक एम कंप्लीट करा दो अगर तुम लोग शॉर्ट रेंज में UMP का हेडशॉट ट्रिक चाहते हो तो ओनली रेड नंबर। और हाँ गाइस, जो जो बंदे हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस आते रहते हैं। सो अभी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।